गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपनी इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इंग्लिश रीडर बुक लिटरेचर की इंग्लिश फेरी, ठीक है। आज हम लोग इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ डॉटर्स लव, ठीक। ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ये जो स्टोरी पढ़ेंगे, ये इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर या कह लो एक बहुत बड़े ड्रामिस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है, ठीक है। द किंग लियर, ये एक ड्रामा है, ठीक है, उसकी ये कहानी ये इसमें दी गई है। और बताया गया है कि कैसे लोग झूठ बोल करके काम करते हैं और कभी भी चापलूसी में नहीं आना चाहिए, ये उसके ऊपर है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं आज, है ना। रीड अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज डॉटर। एक स्टोरी पढ़ो किसके बीच में, फादर और डॉटर की रिलेशनशिप के बीच में। मैं साथ साथ अंडरलाइन करूंगा जिस जिस वर्ड्स को, वो वर्ड आपके हार्ड वर्ड हैं, उनको आप कॉपी पे हार्ड वर्ड नाम से आप लिखेंगे, ठीक है ना। मैं उसके नीचे अंडरलाइन करता चलूंगा, ओके। फिर ध्यान से, यू शुड रीड द डायलॉग गिवन इन वन फ्रेम वाइल योर पार्टनर। आप इसको क्लास में भी कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है, हमसे पढ़ते हैं। मैनी मैनी ईयर्स एगो, बहुत बहुत साल पहले, देयर वॉज अ किंग इन इंग्लैंड कॉल्ड लियर। एक राजा हुआ करता था इंग्लैंड में जिसका नाम क्या था, लियर, ठीक। ही वॉज अ वाइज एंड जेनरस किंग, वो बहुत ही अच्छा राजा था, समझदार, जेंटलमैन, दयालु, है ना, ये राजा था। ये जेनरस आप हार्डवर्ड में लिखेंगे, ओके। हु हैड रूल्ड ओवर हिज किंगडम फॉर मैनी ईयर्स, उसने अपने राज्य पे बहुत सालों तक राज्य किया, ठीक है, शासन किया। बट ही वॉज बिकमिंग ओल्ड, फिर वो बुढ़ा हो गया। ही फेल्ट इट वॉज टाइम टू पास ऑन हिज किंगडम टू हिज डॉटर्स, उसने ये महसूस किया कि अब वो टाइम आ गया है कि अपने राज्य को अपनी लड़कियों के बीच में बांट देना चाहिए, दे देना चाहिए, ठीक है। उसकी 3 बेटियां थी, देखो। वन डे, एक दिन किंग लियर डिसाइडेड टू आस्क हिज 3 डॉटर्स अ क्वेश्चन। उसने, किंग लियर ने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि वो अपनी लड़कियों से, 3 लड़कियों से एक क्वेश्चन पूछेगा। द 2 एल्डेस्ट, मतलब 2 बड़ी लड़कियां, डॉटर्स कौन सी, गॉनरिल एंड रीगन, ठीक है। द 2 एल्डेस्ट डॉटर्स गॉनरिल एंड रीगन लाइक टू देयर फादर, और उनकी जो लड़कियां जो थी वो झूठी थी, वो दोनों जो बड़ी दोनों लड़कियां थी वो झूठी थी, है ना, जो अपने पिता से झूठ बोलती थी। उन्होंने क्या बोला, राजा ने पूछा, वेल डियर टेल मी हाउ मच यू लव मी। बच्चों ये बताओ, प्यारों ये बताओ कि तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। जो पहली बेटी गॉनरिल, वो तो झूठी थी एक नंबर की। उसने बोला, सर यू आर डियरर टू मी देन माई आई साइट, आप मेरी आंखों से भी मुझे ज़्यादा प्रिय हैं और लाइफ अब मेरी ज़िंदगी से भी। इतनी झूठी, झूठ बोल रही है ना। नो चाइल्ड हैज़ एवर लव्ड हर फादर मोर देन आई लव यू, कोई भी बच्चा मुझसे ज़्यादा आपको, मतलब जो कोई भी बच्चा अपने पिता से जितना भी प्यार करता होगा उससे ज़्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ, या कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो मुझसे ज़्यादा अपने पिता को प्यार करता हो, ठीक। राजा बड़ा खुश हो गया, ठीक है। फिर दूसरी लड़की जो थी रीगन, उसने बोला, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम एबल टू सर्व यू, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी सेवा करती हूँ, ठीक है ना। अब देखो आगे, जो तीसरी बेटी थी उसका नाम था कॉर्डिला। कॉर्डिला वॉज लियर्स यंगेस्ट डॉटर, यंगेस्ट के नीचे आप अंडरलाइन, ये आपका दूसरा हार्ड वर्ड, ठीक है ना। कॉर्डिला वॉज लियर्स यंगेस्ट, उसकी छोटी बेटी थी।
Now it was her turn to express her love for her father. अब वो उसकी बारी थी कि वो अपना प्यार प्रदर्शित करे अपने पिता के लिए. What can you say to deserve your share of the kingdom, Cordelia? है ना? तो अब उसने बोला, ये देखो डिजर्व के नीचे मैंने, उन्होंने बोला कि कॉर्डिला तुम क्या कहना चाहोगी अपना अपने हिस्से का राज्य लेने के लिए. तो उसने बोला आई लव यू एज आई शुड, मैं आपको उतना प्यार करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए, ठीक है, नाइदर मोर नॉर लेस, ना ज़्यादा ना कम. उसने सच बोला कि मुझे जितना आपसे प्यार करना चाहिए मैं उतना आपसे प्यार करती हूँ, ना ज़्यादा ना कम. अब राजा जो था वो तो चापलूसी पसंद था, उसको उसकी बात पसंद नहीं आई. उसने बोला गुस्से से यू बेटर मैन डैट स्पीच कॉर्डिला, तुम सोच रही हो कि जो तुमने बात का मतलब समझ रही हो जो तुमने बोला है, और यू मे लॉस योर फॉर्चून, और तुम अपना मतलब कि जो अपना धन है वो खो दोगी, है ना. ये देखो ये आप फॉर्चून का ये आप अंडरलाइन करो, है ना, ठीक. तो उसने बोला माई लॉर्ड, प्रभु, है ना, यू आर माई फादर, आप मेरे पिता हैं, यू हैव केयर्ड फॉर मी, आपने मेरा ध्यान रखा है, फीड मी, मुझे खिलाया है, एंड लव मी, मुझे प्यार किया है, दस आई ओबे यू, इस वजह से मैं आपकी बात मानती हूँ, लव यू, आपको प्यार करती हूँ, एंड ग्रेटली ऑनर यू, और आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है. ये ग्रेटली के नीचे भी निशान, ये भी आपका हार्ड वर्ड है, ठीक. King Lear found it hard to believe that Cordelia had really only felt a sense of duty towards him. मतलब King Lear को बहुत गुस्सा आया और उसको बहुत विश्वास करने में मतलब कि दिक्कत हुई कि जो Cordelia है वो सिर्फ उसके प्रति एक जिम्मेदारी, एक मतलब कि कर्तव्य की भावना रखती है. He had thought that she loved him greatly, वो सोचता था कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे प्यार करती थी, लेकिन King Lear को वो बात समझ में नहीं आई. If this is the truth, अगर ये सत्य है, then you will get nothing from me, तब तुम मेरे से कुछ नहीं ले सकती, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. You are no longer a daughter of mine, अब तुम मेरी पुत्री भी नहीं रही, है ना. I will divide your share of the kingdom between Gondril and Regan, और मैं अपना शेयर, जो मैं तुम्हारा जो शेयर है जो तुमको मिलने वाला था, वो मैं Gondril और Regan के बीच में क्या करता हूँ, बांटता हूँ. आई डिसओन यू, और मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ, अपने मतलब कि तुमको पुत्री मानने से इनकार करता हूँ, ऐसा उसने बोला, ठीक. ये डिसओन को भी आप क्या करें, है ना, हार्ड वर्ड में. द किंग ऑफ फ्रांस वॉज इन द कोर्ट, उस समय दरबार में फ्रांस के राजा किंग भी मौजूद थे. वेन Cordelia वॉज आस्क्ड टू लीव, जब Cordelia को बोला गया जाने के लिए, ही थॉट ऑफ हर इज सिंपल एंड ऑनेस्ट, उन्होंने सोचा कि वो कितनी सिंपल, उसकी सच्चाई और उसकी सीधेपन के बारे में, एंड हैंस विश टू मैरी हर, और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की. Cordelia व एग्रीड, Cordelia जो है वो तैयार होगी, एंड दे लिव फॉर फ्रांस, और वो फ्रांस चली गई. और वो मन में सोचते हुए जा रही है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि माई सिस्टर्स टेक गुड केयर ऑफ माई ओल्ड फादर, मेरी बहनें मेरे बूढ़े पिता की अच्छे से देखभाल करेंगी. आई एम रियली वरिड अबाउट हिज हेल्थ, मैं वास्तव में उनकी स्वास्थ्य की चिंता करती हूँ, ठीक है ना. आप देखो, अब वो दोनों तो लड़कियाँ झूठी थीं, तो अब देखो जब पैसा मिल गया तो उनको गुस्सा आया. देखो King Lear decided to stay with his eldest daughter, King Lear जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बड़ी बेटी के साथ रुकेंगे. He soon found out that Gondril was only father his ओनली आफ्टर his किंगडम, उन्होंने शीघ्र ही उनको ये पता चल गया, उनको मालूम पड़ गया कि Gondril जो थी वो उनके राज्य के लिए ही उनसे प्यार करती थी, उनकी देखभाल करती थी.
शी डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम. अब तो उसको मिल गया था राज, इसलिए अब वो उसको उनका ध्यान, शी डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम, अब वो उसकी उनकी देखभाल नहीं करती थी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं अपनी छोटी बेटी के पास चलता हूँ, छोटी बेटी रीगन के पास. सून किंग लियर रियलाइज दैट हिज सेकेंड डॉटर वॉज इक्वली क्रूएल एंड सेल्फिश. और जल्द ही उन्होंने ये भी पता चल गया उनको कि उनकी जो छोटी पुत्री रीगल है वो भी बड़ी बेटी की तरह क्या है, स्वार्थी है और क्रूर है, क्रूएल है ना. ठीक, उन्होंने मन में सोचा आई वुड रेदर बैग ऑन द स्ट्रीट देन बी डिसरिस्पेक्टेड बाई माई डॉटर. अपनी बेटियों से अपमानित होने के बजाय मैं सड़क पर भीख मांग लूँगा, है ना. ओह हाउ आई मिस कॉर्डिला टुडे. आज मैं अपनी कॉर्डिला को कितना मिस कर रहा हूँ, है ना, उसको कितना याद करते हैं वो, है ना, कि दुख होता है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया. Meanwhile, Cordula was worried about her father's health. इसी दौरान उसकी जो Cordula जो थी वो अपनी पिता के स्वास्थ्य की उसको चिंता हो रही थी. England and France were at war. England और France के बीच में युद्ध था, है ना, with each other at that time. उस समय युद्ध की संभावनाएं थी, युद्ध चल रहा था. As she was the queen of France, और वो France की queen थी. She could not enter England anymore. वो England के अंदर नहीं आ सकती थी. Thus she decided to attack England and rescue her father. तो उसने ये decide किया, निश्चय किया कि वो England पे आक्रमण करेगी और अपने पिता को बचाएगी. However, the France army is defeated by the English and she is imprisoned. इस बीच क्या हुआ कि जो फ्रांस की आर्मी थी वो इंग्लैंड की आर्मी से हार गई और जो Cordula थी उसको कैदी बना लिया गया. इसको ये इम्प्रिशियंट, इसको ये आप, ये आपका हार्ड वर्ड है डिफीटेड, ये भी आपका हार्ड वर्ड है, ठीक है ना. मीनवाइल ये भी आपका हार्ड वर्ड है, इसको नोट करेंगे. ओके, Cordula इज सरप्राइज टू मीट हर फादर देयर. उस जब उस कैद कर लिया गया तो जब उस जेल में गई तो Cordula को वहाँ अपने पिता को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ. तो उसके पिता बोले डोंट लाफ एट मी, मेरे पे हंसो मत यंग लेडी, है ना. परहैप्स आई एम बीइंग फुलिश, मैं मूर्ख भले ही हूँ, बट यू लुक लाइक माई डॉक्टर, बट तुम तो मेरी पुत्री की तरह लगती हो, पुत्री Cordula की तरह लगती. देखो Cordula एंड लियर आर ओवर जॉयड टू मीट ईच अदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. बहुत समय बाद दोनों मिल करके एक दूसरे से बहुत खुश हुए. ओवर जॉयड, यहाँ पर ये भी आपका हार्ड वर्ड है. ओके, यस फादर, हाँ पिताजी, आई एम मैं ही हूँ. आई एम योर Cordula, मैं ही आपकी Cordula हूँ. आई हैव बीन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू, मैंने सब जगह आपको ढूँढा. फाइनली आई हैव फाउंड यू, और अंततः मैंने आपको पा लिया. फादर आई विल नेवर लेट यू गो, मैं अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगी. तो वो पिताजी बोल रहे हैं फॉरगिव मी माई चाइल्ड, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची. फॉर आई एम ओल्ड एंड फुलिश, मेरी मूर्खता और मेरे बुढ़ापे के लिए. आई हैव कॉज यू अ लॉट ऑफ पेन, मैं तुम्हारे बहुत सारे दुखों का कारण हूँ. ठीक है, अब ये देखो ये फॉरगिव, ये भी आपका हार्ड वर्ड में आ जाएगा. ओके, देखो ये विलियम शेक्सपियर का ये ड्रामा है, इसको उन्होंने इसमें लिखा कैसे कि एक राजा जो था वो कितनी मूर्खता से, है ना, उसने मूर्खता ही कहोगे कि उसको सिर्फ चापलूसी पसंद थी, तो उसने जो सबसे ईमानदार बेटी थी उसको उसने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन बाद में ईमानदार बेटी ही उसके काम आ रही है. देखो अच्छा, इसके जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं जितने भी वर्ड्स, वो आपके हार्ड वर्ड हैं, उनको हार्ड वर्ड डाल करके आप कॉपी में लिखेंगे. जैसे कि ये जेनरस, है ना, जहाँ जहाँ मैंने लिखवाए हैं, ये यंगेस्ट, डिजर्व, ठीक, फॉर्चून, ग्रेटली, ठीक है. अब देखो इधर डिसऑन, है ना, फिर यहाँ पर मीन वाइल, इम्प्रिशियंट, डिफेटेड, ठीक, क्या, और एक इधर है फॉरगिव. ठीक, इनको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे. तब तक के लिए बाय.